Hello, my dear students. This is Arika Seni, and today I am going to teach you chapter Reach for the Top. This is chapter number 8, and this is taken from your book Beehive. There are two parts in this chapter.

नंबर वन पोजीशन को जो है हासिल किया साथ में ही हमें इस चैप्टर में ये बताया हुआ है कि कोई भी पोजीशन कोई भी जो है अचीवमेंट आपको इजीली नहीं मिलती उसके लिए आपको बहुत ही हार्ड वर्क करना पड़ता है लाइफ में बहुत सी सेक्रीफाइस भी करने पड़ते हैं साथ में ही जो है आपको मेंटल टॉर्चर भी सहना पड़ सकता है लेकिन उसके बाद जो रिज़ल्ट आपको मिलता है जो फ्रूट आपको मिलता है जो फल उसका जो है मिलता है दैट इज़ वेरी स्वीट एंड सेटिस्फाइंग सो नाउ लेट इस स्टार्ट द चैप्टर अबाउट मार शारापोआस देयर इज समथिंग डिसमिंग अबाउट मारिया शारापोआ मारिया शारापोआ के बारे में कुछ ऐसा है जो कि बड़ा ही कैसा है डिसआर्मिंग है डिसआर्मिंग सस्पिशियस डाउटफुल समथिंग एट ओट्स विद हर रेडी स्माइल एंड ग्लैमरस अटायर अटायर मीन्स क्लोथ की उसके जो ग्लैमरस क्लोथ हैं और उसकी जो स्माइल है वो सब आपको जो है कुछ अजीब लगेगा कुछ ऑपोजिट लगेगा एंड दैट समथिंग इन हर लिफ्टेड हर ऑन मंडे ट्वेंटी सेकेंड ऑगस्ट टू थाउजेंड फाइव टू द वर्ल्ड नंबर वन पोजिशन इन वुमेन टेनिस सो वुमेन टेनिस में नंबर वन पोजीशन जो है उन्होंने हासिल की कब जो है उन्होंने इसको अचीव किया ट्वेंटी सेकेंड ऑगस्ट टू थाउजेंड फाइव को तो उनके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं वो जो है आपको उनकी जो ग्लैमरस जो उनके क्लोज हैं और उनकी स्माइल वो जो है दोनों एक दूसरे के जो है ऑपोजिट लगेंगे यानी कि उनको बहुत ही जो है सुंदर कपड़ों में सजा धजा देख कर और उनकी स्माइल को देख कर आपको ऐसा लगेगा कि ये गर्ल तो जो है नंबर वन पोजिशन जो है ले ही नहीं सकती यानी कि वो ग्लैमरस भी हैं साथ में जो है हार्डवर्किंग भी हैं जिसकी वजह से वो नंबर वन पोजिशन उन्होंने हासिल की वुमेंस टेनिस में ऑल दिस हैपेंड इन ऑलमोस्ट नो टाइम और ये सब कुछ बहुत ही कम समय में हुआ पॉइड बियॉन्ड हर ईयर्स पॉइड मीन्स हियर काम एंड एलिगेंट कि जितने जो है ईयर्स की हैं अपने एज से जो है वो ज़्यादा ही पीसफुल और एलिगेंट लगती हैं द साइबेरियन बॉर्न साइबेरियन बॉर्न मीन्स हेयर कि मारिया शारापोवा का जो जन्म है वो कहाँ पे हुआ था साइबेरिया में हुआ था सो द साइबेरियन बॉर्न टीनेजर टुक जस्ट फोर ईयर्स एज अ प्रोफेशनल टू रीच द पिनेकल पिनैकल मीन्स ईयर पिनाकल क्या है द मोस्ट सक्सेसफुल पॉइंट मीन्स द हाइस्ट पॉइंट कि उन्हें जो है अपना करियर बनाने में उन्हें जो है हाइएस्ट पॉइंट पर पहुँचने में बहुत ही कम समय लगा कितना समय लगा फोर ईयर्स का जो है समय लगा सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ हाउ एवर द रैपिड असेंट इन अ फ्यर्सली कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड बिगेन नाइन ईयर्स बिफोर विद अ लेवल ऑफ सेक्रीफाइस फ्यू चिल्ड्रेन वुड बी प्रिपेयर टू इंडियोर इंडियोर मीन्स सहन करना बीयर करना कि उन्होंने जो है जो हार्ड uh, वर्क जो सेक्रीफाइस जितना ज़्यादा सेक्रीफाइस उन्होंने जो है अपनी लाइफ में किया जितना ज़्यादा जो है बलिदान उन्होंने अपनी लाइफ में किया फ्यू चिल्ड्रन वुड बी प्रिपेयर टू इंड्योर कि बहुत कम बच्चे हैं जो उसको सहन कर सकते हैं यानी कि इतने ज़्यादा सेक्रीफाइस जो उन्होंने किए नॉर्मल कोई भी जो है बच्चा उनको सहन नहीं कर सकता और ये सब कब स्टार्ट हुआ ये सभी जो है नाइन ईयर बिफोर स्टार्ट हुआ यानी कि अपनी नंबर वन पोजीशन पर पहुंचने से पहले के जो नाइन इयर्स थे वो मारिया शो, मारिया शारापोवा के लिए बहुत ही कैसे थे फुल ऑफ सेक्रीफाइज थे सो so, ये जो रैपिड एक्सेंट इन अ फीजली कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड स्टूडेंट्स आप सभी को पता है कि आजकल का वर्ल्ड कैसा है बड़ा ही कॉम्पिटिटिव है और फीजली कॉम्पिटिटिव है फीजली मीन्स कि बहुत ही ज़्यादा सेविजली यानी कि हम कहते हैं कट एंड थ्रॉट कंपटीशन सो so, आजकल के इस वर्ल्ड में जो हाईली कम्पिटिटिव वर्ल्ड है तो उनका ये जो जर्नी है वो कब स्टार्ट हुई नाइन ईयर्स बिफोर ही स्टार्ट हुई और उनकी जो जर्नी थी कैसी थी फुल ऑफ सेक्रीफाइस थी सो लिटल मारिया हैड नॉट येट सेलिब्रेटेड हर टेंथ बर्थडे Maria, कि लिटल मारिया यानी कि मारिया जब छोटी सी थी तो उसने अपना टेंथ बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं किया था यानी कि वो पूरे टेन इयर्स की भी नहीं थी व्हेन शी वाज पैक्ड ऑफ टू ट्रेन इन द यूनाइटेड स्टेट्स कि तभी जो है उनका सामान पैक करके उन्हें ट्रेनिंग के लिए यू एस भेज दिया गया यानी कि वो रहने वाली कहाँ की थी वो रहने वाली साइबेरिया की थी लेकिन उन्हें ट्रेनिंग के लिए जो है यू एस जो है भेज दिया गया जब वो जो है नाइन इयर्स की थी यानी कि टेन इयर्स की भी कंप्लीट नहीं हो पाई थी दैट ट्रिप टू फ्लोरिडा और फ्लोरिडा कहाँ है यूएस में तो दैट ट्रिप टू फ्लोरिडा विद हर फादर यूरी उनके फादर का नाम क्या है यूरी है लॉन्च्ड हर ऑन द पाथ टू सक्सेस एंड स्टारडम और वहीं से ही उनका जो है पाथ यानी कि रास्ता जो है शुरू हो गया कौन सा रास्ता जो है शुरू हो गया सक्सेस और स्टारडम की तरफ यानी कि सक्सेसफुल uh, होने का जो उनका जो जर्नी थी वो स्टार्ट हो गई जब वो अपने फादर के साथ जो है फ्लोरिडा चली गई बट इट ऑल्सो रिक्वायर्ड अ हार्ट रेंचिंग टू ईयर सेपरेशन फ्रॉम हर मदर यलेना और इसके साथ ही ये नहीं है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ वहाँ पर गई थी वो अपने सिर्फ फ़ादर के साथ वहाँ पर गई थी इट ऑल्सो रिक्वायर्ड अ हार्ट रेंचिंग हार्ट रेंचिंग मीन्स दिल को दहला देने देने वाला एक्सपीरियंस यानी कि एक्सट्रीमली आपको जो दुखी कर दे बहुत ज़्यादा दुखी कर देने वाला टू ईयर सेपरेशन सेपरेट होना क्या होता है अलग होना फ्राम हर मदर येलना सो मारिया की मदर का नेम क्या था येलना था और फादर का नेम क्या था यूरी तो उसके फादर जो थे वो तो उसके साथ चले गए अमेरिका लेकिन उसकी मदर जो है वो नहीं जा पाई तो मारिया uh, को अपनी मदर से टू ईयर्स के लिए अलग रहना पड़ा द लैटर वॉज कंपेल्ड टू स्टे बैक इन साइबेरिया सो लेटर मीन्स यर बादला यानी कि येलना उसकी मदर को जो है कंपेल्ड कम्पेल्ड मीन्स मजबूर होना पड़ा उन्हें जो है मजबूरी से रहना पड़ा स्टे बैक इन साइबेरिया यानी कि उन्हें जो है साइबेरिया में ही रुकना पड़ा बिकॉज ऑफ वीज़ा रेस्ट्रिक्शन्स क्योंकि वीज़ा जो है उन्हें नहीं मिला था उसकी वजह से उसकी मदर को जो है साइबेरिया में ही रहना पड़ा और मारिया अपने फादर के साथ जो है यू चली गई द नाइन ईयर ओल्ड गर्ल हैड ऑलरेडी लर्नड सो नाइन ईयर ओल्ड गर्ल कौन है यहाँ पर मारिया शारापोवा तो उसने पहले से ही ये सीख लिया था एन इम्पोर्टेंट लेसन लाइफ का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट लेसन उसने सीखा इन लाइफ दैट टेनिस एक्सीलेंस वुड ओनली कम एट आ प्राइज कि अगर उसे टेनिस में जो है अपनी एक्सीलेंट परफॉर्मेंस देनी है तो वो जो है उसको ईजीली नहीं मिलने वाली है वुड ओनली कम एट आ प्राइज तो उसके लिए उसे बहुत बड़ी जो है कीमत चुकानी पड़ेगी सैक्रीफाइस करना पड़ेगा लाइफ में तभी जो है वो टेनिस की जो है स्टार बन पाएगी तो ये बात जो है उसे समझ में आ गई थी कैसे समझ में आई उसे ये बात जब उसे टू इयर्स के लिए अपनी मदर से अलग रहना पड़ा सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ सो मारिया शारापोवा बताती है हमें आई यूज़ टू बी सो लोनली मारिया शारापोआ रिकॉल्स रिकॉल मीन्स होता है याद करना तो मारिया याद करती हैं इस बात को अपने बचपन की बात को कि मैं बहुत ही लोनली लोनली मीन्स अकेली कि मैं बहुत अकेली हुआ करती थी आई मिस्ड माई मदर टेरिबली कि मैं बहुत बुरी तरह से अपनी मदर को याद करती थी सो so आप ही देख लीजिए स्टूडेंट्स की नाइन ईयर ओल्ड जो है बच्चा कितना जो है छोटा होता है और वो जो है अपनी मदर से अलग हो गई थी तो वो कहती है मैं अपनी मदर को बहुत ही मिस करती थी माई फादर वॉज वर्किंग एज मच एज ही कुड टू कीप माई ट्रेन टेनिस ट्रेनिंग गोइंग तो मेरे फादर जो हैं, वो भी मुझसे मिलने के लिए नहीं आते थे क्योंकि वो भी काम में बिजी रहते थे पैसे कमाने में ताकि वो मेरी टेनिस की जो ट्रेनिंग है उसको कॉन्टिन्यू रख सके। सो so, इस तरह से मारिया जो है ट्रेनिंग लेने के लिए अपने जो है दोनों ही पेरेंट्स से अलग हो गई थी सो ही कुड नॉट सी मी इधर सो इस तरह से वो अपने फादर से भी जो है नहीं मिल सकती थी उसके फादर भी उससे जो है देखने के लिए उसे मिलने के लिए नहीं आते थे बिकॉज़ आई वॉज सो यंग आई यूज टू गो टू बैड एट एट पी एम मारिया कहती है कि मैं बहुत छोटी थी इसलिए मैं जो है रात को आठ बजे ही सोने के लिए चली जाती थी द अदर टेनिस प्यूपल्स प्यूपल्स मीन्स स्टूडेंट्स की जो दूसरे जो टेनिस सीखने के लिए जो बच्चे वहाँ पर आए थे वुड कम एट वुड कम इन एट इलेवन पी एम तो सभी बड़े थे तो वो सब जो है रात के ग्यारह बजे तक जो है रूम्स में आते थे एंड वेक मी अप और आने के बाद जो है मुझे वेक मी अप मुझे जगह देते थे एंड ऑर्डर मी और मुझ पर जो है ऑर्डर जो है करते थे मुझे कहते थे टू टाइडी अप द रूम एंड क्लीन इट कि जो है रूम को जो है तुम साफ सफाई करो तो मुझे जो है इलेवन ओ क्लॉक उठा देते थे और मुझे रूम को साफ़ करना पड़ता था सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ इंस्टेड ऑफ़ लेटिंग दैट डिप्रेस मी वो कहती है कि इतना कुछ मेरे साथ जो है बुरा होता था तो ये सारी चीज़ें जो है मुझे डिप्रेस नहीं कर पाती थी मैं इन सारी चीज़ों से डिप्रेस नहीं होती थी आई बिकेम मोर क्वाइटली डटरमिंट एंड मेंटली टफ वो कहती है ये सारी प्रॉब्लम से जो है मैं और भी ज़्यादा डेटरमिंड होती चली गई और भी ज़्यादा जा, जा, जो है दृढ़ निश्चय वाली गर्ल होती चली गई पक्के इरादों वाली गर्ल होती चली गई मैं मैंटली जो है बहुत ही स्ट्रोंग हो गई टफ हो गई आई लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ़ और मैंने ये भी सीख लिया कि खुद की केयर कैसे की जाती है आई नेवर थाट ऑफ क्विटिंग क्विट करना क्या होता है छोड़ना कि मैंने कभी भी जो है हार नहीं मानी कभी भी मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे नहीं टेनिस सीखना क्योंकि मेरी बहुत इंसल्ट होती है मुझे जो है बहुत ज़्यादा जो है अ, मेरे साथ जो है बुरा व्यवहार किया जाता है सो आई नैवर थाट ऑफ क्विटिंग कि मैंने कभी भी नहीं सोचा कि मैं क्विट कर दूँ बिकॉज आई न्यू वट आई वॉन्टेड क्योंकि मुझे पता था कि मुझे क्या चाहिए मुझे क्या अचीव करना है वेन यू कम nothing, नथिंग मारिया कहती है कि जब आप एक ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं कि जब आपके पास कुछ नहीं है एंड यू हैव नथिंग और आपके पास कुछ है ही नहीं then इट मेक्स यू वेरी हंग्री एंड determined. तो ये वाली जो फीलिंग होती है कि मेरे पास कुछ नहीं है और मुझे तो अचीव करना है तो ये आपको जो है हंग्री कर देती है भूखा कर देती है और आपको पक्के इरादों वाला बना देती है कि मुझे तो लाइफ में कुछ अचीव करना है तो मैं इतनी जल्दी से क्विट नहीं करूँगी मुझे क्विट करना ही नहीं है आई वुड हैव पुट अप पुट अप मीन बियर सहन करना तो वो कहती है आई वुड हैव पुट अप विद मच मोर ह्यूमिलिएशन एंड इन देन दैट टू स्टेट फास्टली परस्यू माई ड्रीम तो कहती है मारिया आई वुड हैव पुट अप विद मच मोर ह्यूमिलिएशन एंड इंसल्टस कि मैं तो जो है और भी ज़्यादा ह्यूमिलशन और इंसल्ट को सह सकती थी देन दैट कि जितनी इंसल्ट और ह्यूमिलिएशन मेरी हो रही थी मुझे जितना ज़्यादा ह्यूमिलइट किया जाता था तो उससे ज़्यादा भी इंसल्ट को मैं सहन कर सकती थी टू स्टेड फास्टली परस्यू माई ड्रीम कि अपने जो है ड्रीम को परस्यू करने के लिए फॉलो करने के लिए स्टेड फास्टली मीन्स क्या है कि और भी ज़्यादा जो है रेजोल्यूटली यानी कि दृढ़ निश्चय से मैं जो है अपनी ड्रीम को जो है परस्यू कर रही थी अपनी ड्रीम को फॉलो किए जा रही थी कि मुझे तो लाइफ में अचीव करना है मुझे तो टेनिस स्टार बनना है तो अपने एम को अचीव करने के लिए मैं जितनी इंसल्ट मेरी हुई जितना ज़्यादा मुझे उस टाइम पर ह्यूमिलिएट किया गया अगर उससे भी ज़्यादा किया जाता तो मैं वो भी सहन कर लेती दैट टफनेस रन्स थ्रू मारिया ईवन टूडे और उसकी जो क्वालिटी है मारिया की वो आज भी जो है उसके अंदर है यानी कि इतनी ज़्यादा टफनेस इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माइंडिड होना जो है जो मारिया की जो क्वालिटी है वो आज भी उसके अंदर है बनी हुई है इट वॉज़ द की टू हर बैगिंग दिमेंस सिंगल्स क्राउन एट विम्बलडन इन टू थाउजेंड और अपनी इसी क्वालिटी की वजह से कहते हैं ना कि हार्डवर्क इज़ द की टू सक्सेस तो इस तरह से जो है उनकी ये जो मेंटल टफनेस थी उनकी जो स्ट्रॉन्ग जो है माइंडेड होने की जो क्वालिटी थी ये उनके लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट की थी टू हर बैगिंग बैगिंग मीन्स यर विनिंग कि विम्बलडन में जो है उन्होंने विमेंस सिंगल क्राउन में जो पोजिशन ली इन टू थाउजेंड फोर वो इसी वजह से ली क्योंकि वो मैंटली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रोंग थी एंड टू हर मिटी और मिटी औरक मीन्स क्या है वेरी रैपिड एंड फास्ट तो बहुत ही फास्ट स्पीड से जो है वो सफल होती जा रही थी सो to her meteoric rise to the world number one spot the following year following year यानी कि 2004 के बाद आने वाला next year क्या था 2005 so 2005 में उन्होंने जो world number one position ली women टिस में तो वो जो है अपनी इसी क्वालिटी की वजह से उन्होंने ली सो डियर स्टूडेंट्स इस तरह से आपने देखा कि कितनी जो है स्ट्रॉन्ग माइंडेड होने की वजह से कितनी सारी प्रॉब्लम्स आने की वजह के बाद भी जो है मारिया शार शारापोवा ने कोई हिम्मत नहीं हारी और उनकी उनका जो एम था कि मुझे जो है विमेंस टेनिस में जो है वर्ल्ड नंबर वन पोजिशन को हासिल करना है वो उस पर जो है बिल्कुल फिक्स रही वो बिल्कुल भी जो है डगमगाई नहीं और इस तरह से जो है उन्होंने अपना एम जो है वो हासिल किया अचीव किया सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ वाइल हर जर्नी फ्रॉम द फ्रोजन प्लेन्स ऑफ साइबेरिया सो फ्रोजन प्लेन्स ऑफ साइबेरिया यानी कि साइबेरिया एक ऐसी जगह है जहां पर जो है बर्फ पड़ती है तो उनकी जो जर्नी थी अपने जो है अपनी कंट्री से जो उनकी साइबेरिया से जो है जो शुरू हुई थी टू द समिट ऑफ विमेंस टेनिस समिट क्या है समिट अगेन टॉप पीक हाईएस्ट पॉइंट सो वमेंस टेनिस के हाईएस्ट पॉइंट तक पहुँचने की जो उनकी जर्नी थी हैज़ टर्स्ट द हार्ट ऑफ टेनिस फैंस कि उनके जितने भी सारे फैंस हैं टेनिस के जितने सारे फैंस हैं जब वो उनकी इस जर्नी के बारे में जो है सुनते हैं कि उनकी लाइफ इतनी टफ थी तो वो जो है भावुक हो जाते हैं फॉर द यंगस्टर हर सेल्फ देयर अपीयर्स टू बी नो रूम फॉर सेंटिमेंट लेकिन सब तो भावुक हो जाते हैं लेकिन मारिया शारा पोवा जो है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग गर्ल है और उनके जो है मन में इन सेंटिमेंट्स के लिए देयर इज नो रूम रोम मीन्स स्पेस कि वो बिल्कुल भी सेंटिमेंटल नहीं है उन्हें पता है कि लाइफ में जब कुछ अचीव करना होता है तो सभी सेंटिमेंट्स को एक तरफ रखना पड़ता है द स्ट्रेट लुक्स एंड द आंसर्स शी गिव्स वेन आस्ड अबाउट हर एम्बिशन कि जब जब उनके एम्बिशन के बारे में कुछ भी पूछा जाता है तो उनकी जो स्ट्रेट लुक्स होती हैं और जो सीधे एकदम से वो जो है स्ट्रेट जो आंसर्स देती हैं मेक इट एम्पली क्लियर तो इससे बिल्कुल क्लियर हो जाता है दैट शी कंसिडर्स द सेक्रीफाइज वर वर्थ इट तो हमें क्या क्लियर हो जाता है कि उन्होंने अपनी लाइफ में जो भी सेक्रीफाइस किए वो अपने एम को अचीव करने के लिए किए और उन्होंने अपनी लाइफ में जो अपना एम जो है अचीव किया वो तभी अचीव हो सकता था जब वो अपनी लाइफ में ये सब सेक्रीफाइसेस करती सो so, उनके जो सेक्रीफाइसेस थे वो बेकार नहीं गए और आगे क्या कहती हैं मारिया आई एम वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव कि मैं बहुत ही कॉम्पिटिटिव हूँ आई वर्क हार्ड एट वट आई डू कि मैं बहुत मेहनत करती हूँ जो भी मैं काम करती हूँ उसमें मैं बहुत मेहनत करती हूँ इट्स माई जॉब क्योंकि ये मेरा काम है एंड दिस इज़ हर मंत्रा फॉर सक्सेस और यही उनका मंत्र है सक्सेस के लिए वो जो है हमें भी यही बता रही हैं कि जब आप कोई काम करो तो उसको जो है पूरे हार्डवर्क के साथ करो पूरी मेहनत के साथ करो ये नहीं कि बस उस कोई काम स्टार्ट किया तो धीरे धीरे बस उसको करते रहो ऐसे नहीं कोई भी काम करो तो बड़ा मन लगा के करो तभी आपको उस काम में सक्सेस मिलेगी ओके डियर स्टूडेंट्स लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ दो मारिया शारापोवा स्पीक्स विद अ प्रोनाउंसड अमेरिकन एक्सेंट एक्सेंट क्या होता है बोलने का तरीका ढंग सो so, मारिया शारा पोवा जो है वो वैसे तो रशिया से बिलोंग करती थी क्योंकि साइबेरिया जो है वो रशिया में ही है लेकिन क्योंकि वो छोटी एज में जो है अमेरिका आ गई थी तो वो जब बोलती हैं तो कौन से एक्सेंट से बोलती हैं वो अमेरिकन एक्सेंट से बोलती हैं सो अमेरिकन इंग्लिश बोलती हैं शी प्राउडली परेड्स हर रशियन नेशनैलिटी लेकिन वो जो है फेवर किसको करती हैं जो है अपने आप को जो है क्या शो करती है वो अपने आप को रशियन नेशनैलिटी का ही शो करती है यानी कि उन्हें अपने आप खुद पर जो है रशियन ख़ुद का जो है रशियन होने पर जो है वो बड़ा ही जो है वो प्राउड फील करती है यानी कि शो करती है वो ये नहीं कहती नहीं ये नहीं कहती है कि मैं तो जो है अमेरिका में ही पली बड़ी हूँ तो मैं जो है अमेरिकन हूँ नहीं वो इस चीज़ को छिपाती नहीं है वो सबको जो है शो करती हैं कि मैं जो है रशिया से बिलोंग करती हूँ मेरी जो नेशनलिटी है वो क्या है रशियन है क्लियरिंग ऑल डाउट्स शी सेज़ और सबके माइंड्स में जो उनकी नेशनैलिटीज़ को नेशनैलिटी को लेकर जो है जो डाउट्स हैं कि वो अमेरिकन है या जो है रशियन है तो सभी के डाउट्स को क्लियर करते हुए वो कहती हैं शी सेज मारिया कहती है आई एम रशियन कि मैं रशियन हूँ इट इज़ ट्रू दैट द यू एस इज़ अ बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ कि ये बात सच है कि यू एस मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है बट आई हैव रशियन सिटीजनशिप लेकिन मैं जो है क्या हूँ एक्चुअली मैं रशियन ही हूँ क्योंकि मेरी सिटीजनशिप जो है वो रशिया ही है माई ब्लड इज़ टोटली रशियन मेरा ब्लड भी क्या है रशियन है आई प्ले द ओलम्पिक्स फॉर रशिया इफ़ दे वॉन्ट मी और फाइनली वो कहती हैं कि मैं रशिया के लिए जो है ओलम्पिक्स में जो है खेल सकती हूँ अगर वो चाहते हैं तो यानी कि मैं जो है रशिया कंट्री की तरफ से जो है ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कर सकती हूँ अगर वो ये बात चाहें सो so, इस तरह से वो जो है अपने रशियन होने पर प्राउड फील करती हैं सो डियर स्टूडेंट्स लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ लाइक एनी नंबर ऑफ टीन एज की जितने भी जो हैं टीनज सेलिब्रिटीज़ हैं उनकी तरह ही मारिया शारापोवा लिस्ट फैशन सिंगिंग एंड डांसिंग एज़ हर हॉबीज़ तो उनकी भी हॉबीज़ क्या है वो क्या क्या है अपनी हॉबीज़ में जो है क्या क्या काउंट कराती हैं कि फ़ैशन उन्हें पसंद है सिंगिंग पसंद है डांसिंग पसंद है शी लव्स रीडिंग द नाल्स ऑफ आर्थर कॉनल डॉयल उन्हें जो है आर्थर कॉनल डायल की जो है नॉवल्स भी पढ़ना पसंद है हर फोननेस फॉर सोफ़ेस्टिकेटेड इवनिंग्स और उन्हें और क्या जो है पसंद है सोफेस्टिकेट सोफेस्टिकेटेड क्या है फैशनेबल सोफेस्टिकेटेड इवनिंग गाउन्स पहनना पसंद है बहुत ही फैशनेबल गाउंस उन्हें पहनना पसंद है यानी कि उन्हें जो है सजना सँवरना बहुत पसंद है अपीयर्स एट ऑर्ड्स और उनका इस तरह से जो है फैशनेबल गाउन्स पहनना ये जो है बड़ा ही ओड लगता है उनकी दूसरी हॉबीज़ के सामने कि कौन सी हॉबीज़ हैं उनकी appears at oars with her love for pancakes, with chocolate spread and fizzy ऑरेंज ड्रिंक्स कि उन्हें जो है झाग वाली एयरेटिड जो ड्रिंक्स होती हैं वो पीना जो है पसंद है औरेंज ड्रिंक्स जैसे हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं और उन्हें जो है पेन केक्स जिस पे कि चॉकलेट स्प्रेड लगा हुआ हो तो उन्हें वो भी पसंद है तो उनकी ये जो हॉबीज़ हैं कि बहुत ही फैशनेबल जो है इवनिंग गाउंस पहनना और फिर जो है पेन केक्स खाना औरेंज ड्रिंक्स पीना तो ये जो है एक दूसरे के साथ जो है मैच नहीं करती लेकिन क्योंकि वो टीनीजर सो तो शी लाइक्स ऑल दीस थिंग सो लेट्स मोक टू द नेक्स्ट पैराग्राफ मारिया शारापो कांट बी पीजन हॉल्ड और कैटेगराइज कि हम जो है मारिया शारापोआ को कैटेगराइज नहीं कर सकते उन्हें हम जो है अलग नहीं रख सकते एक कैटेगरी में हर टैलेंट अनवेवरिंग डिजायर टू सक्सीड कि उनके अंदर जो टैलेंट है और एक अनवेवरिंग अनवेवरी मीन्स जिसे आप हिला नहीं सकते एक ऐसी जो है दृढ़ डिज़ायर है एक इच्छा है टू सक्सीड सफल होने की एंड रेडीनेस टू सेक्रीफाइस यानी कि वो हमेशा ही जो है त्याग करने के लिए तैयार रहती है यानी कि त्याग की जो भावना है उनके अंदर है हैव लिफ्टिड हर टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड और अपनी इन तीनों क्वालिटीज़ की वजह से ही वो जो है वर्ल्ड के एक टॉप लेवल पर पहुँची है कौन सी तीन क्वालिटीज़ हैं पहला तो जो है जो उनका टैलेंट है दूसरा उनकी जो अनवेवरिंग डिज़ायर है यानी कि वो जो है डैटरमिंड है दृढ़ निश्चय वाली हैं और तीसरा जो है उनकी रेडिनेस टू सेक्रीफाइस है कि उनकी जो त्याग करने के लिए हमेशा जो है बलिदान करने के लिए रेडी रहने वाली जो क्वालिटीज़ हैं इन तीनों क्वालिटीज़ की वजह से ही जो है वो आज टॉप ऑफ द वर्ल्ड पर पहुंची है फ्यू वुड ग्रज हर द रिच शी इज़ नाउ रिपिंग अपनी लाइफ में जो है इतनी मेहनत करने के बाद आज वो जिस पोजीशन पर हैं तो उनको जो है बहुत सारे जो है पैसे मिलते हैं बहुत सारी जो है धन दौलत जो है उनके पास है तो एक तरह से वो जो है पैसों की जो है फसल काट रही है रीपिंग मींस क्या होता है फसल काटना तो आज वो जो है पैसों की जो फसल काट रही है जितने सारे पैसे वो बटोर रही हैं तो कुछ लोग जो है उनसे इस वजह से जो है ग्रज ग्रज मींस क्या है उनके ओपोजिशन में है यानी कि उनसे जो है जलते हैं दिस इज़ वर्क शी हैज़ टू से तो उनके लिए भी जो है मारिया शारापोवा का जवाब क्या है दिस इज़ वर्क शी हैज़ टू से अबाउट हर मोनिट्री गेज मोनिट्री मीन्स रिलेटिड विद मनी सो so, वो ये जो पैसे जो हैं वो कमा रही हैं उसके बारे में जो है उनका क्या कहना है दिस इज़ व्हाट शी हैज़ टू से अबाउट हर मोनिट्री गेन्स फ्रॉम टेनिस सो टेनिस से इस समय जो है वो जो भी कमाई कर रही हैं उसके बारे में जो है मारिया शारापोवा जो है क्या कहती हैं ऑफ कोर्स मनी इज़ आ मोटिवेशन कि मनी जो है मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करती है मोटिवेशन क्या है कि मुझे जो है आगे बढ़ने की जो है प्रेरणा देती है मुझे लगता है कि मैं और ज़्यादा अच्छा जो है टेनिस खेलूँगी तो मैं और ज़्यादा पैसे जो है कमाऊँगी तो इस तरह से जो है मनी मेरे लिए जो है एक मोटिवेशनल फैक्टर का तो काम करता ही है टेनिस इज़ अ बिजनेस एंड आ स्पोर्ट टेनिस मेरे लिए जो है एक बिजनेस भी है और एक स्पोर्ट भी है बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू बिकम नंबर वन इन द वल्ड और मेरे लिए जो है वर्ल्ड में नंबर वन बनना ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सो so, सभी जो है Uh, यानी कि कई फैक्टर्स में से मनी भी जैसे उनके लिए इंपॉर्टेंट है उनके लिए टेनिस जो है वो एक बिजनेस भी है स्पोर्ट्स भी है और सबसे ज़्यादा इम्पॉटेंट फैक्टर जो है उनके लिए क्या है नंबर वन बने रहना वर्ल्ड में इन द फील्ड ऑफ टेनिस दैट इज़ द ड्रीम दैट कैप्ट मी गोइंग तो मारिया कहती हैं कि ये जो वर्ल्ड में नंबर वन बने रहने का जो मेरा जो एम है यही मुझे जो है आगे से आगे बढ़ने की जो है प्रेरणा देता है और यही मेरा सपना है सो डियर स्टूडेंट्स मारिया शारापोवा की लाइफ से जो है हमें यही सीखने के लिए मिलता है कि अगर हमें अपनी लाइफ में जो है कुछ अचीव करना है तो हमें जो है उसके लिए बहुत ही हार्डवर्क जो है करना चाहिए करना पड़ता है और अगर हमें जो है लाइफ में कुछ सेक्रीफाइस भी करने पड़े उसके लिए तो हमें जो है वो सैक्रीफाइस भी करने पड़ते हैं सो दैट्स ऑल फॉर टुडे डियर स्टूडेंट्स इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन दैन प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल दैन प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स थैंक यू